नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर फरुखाबाद से बताई जा रही है। फरुखाबाद में कोरोना वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। जनवरी के तीसरे सप्ताह के बाद टीकाकरण शुरू हो सकता है। ऐसे में मंगलवार को शहर के आवास विकास लोहिया अस्पताल सहित कई जगह पर मॉक ड्रिल किया गया, लेकिन लोहिया में जो पहली तस्वीर कैद हुई वह लापरवाही को साफ साफ तय करती है, जिसमें सीएमओ की मौजूदगी में ही बिना मास्क और ग्लव्स के स्वास्थ्य कर्मी मॉक ड्रिल करते नजर आए। जी हां, मंगलवार को लोहिया अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के साथ ही सीएचसी मोहम्मदाबाद, सीएचसी नवाबगंज, सिविल अस्पताल लिजीगंज, आर्मी हॉस्पिटल फतेहगढ़ में मॉक ड्रिल हुआ। लोहिया में डॉक्टर वीके दुबे को पहला टीका लगाकर मॉक ड्रिल किया गया। जेबी सरोज वाला व सीएमओ डॉक्टर वंदना सिंह ने लोहिया अस्पताल में मॉक ड्रिल कराया। सीएमओ ने कोरोना वैक्सीन के भंडारण व रख रखाव को देखा। वैक्सीन लगाने के लिए 3 कमरों की व्यवस्था की गई। पहले कमरे में टीका लगवाने वाले का सत्यापन होगा, दूसरे कमरे में टीका लगेगा और तीसरे कमरे में डॉक्टर की निगरानी में टीका लगवाने वालों को आधा घंटे तक रोका जाएगा। फरुखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। ये मेरा एंट्री होगा, मीटिंग ये मेरा रजिस्ट्रेशन होगा और आईसी वैलिड होगा। मैडम, वैक्सीन को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है? वैक्सीन को लेकर सभी तरह की तैयारी की जा रही है, जैसे कि वैक्सीन आने पर कहाँ कैसे रखी जाएगी, यहाँ पर आने के बाद किस तरह से उसका मतलब वेरिफिकेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, कंफर्म करके फिर उसको टीकाकरण होगा। सभी स्टाफ वगैरह जो वैक्सीन लगाएंगे उसकी पूरी ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है और सबको अपना अपना काम बताओ कि पेशेंट्स को कैसे कंफर्म करना है, उसके बाद उसको क्या बताना है, कहाँ बैठाना है और टीकाकरण के बाद उसको 30 मिनट ऑब्जर्व करना है। उसमें सभी तरह के जो अगर किसी तरह का कोई रिएक्शन होता है तो उसके लिए उन्होंने अपना AEFI किट है वो है उनके पास में, इमरजेंसी ट्रे बनाई रखी है और डॉक्टर्स वगैरह तैयार रहेंगे। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पेशेंट को उसकी सुविधा दी जाएगी, ट्रीटमेंट होगा उसका। कितने लोगों को सर पर डे का लगाएंगे रोज? लगभग 100 एक जगह पे 100।